नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारी बर्फबारी के बीच पूरे विधि विधान और जयकारों के साथ खुले बद्रीनाथ के कपाट। 25 क्विंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ विशाल धाम। जयकारों के बीच नाचने लगे श्रद्धालु। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को किया निस्तारण। अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जताई नाराजगी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्या ने कहा दमखम के साथ एकजुट होकर तैयारी जारी। रायशुमारी के बाद दमदार किया जाएगा टिकट। ऋषिकेश में लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। यात्रियों के सामान की करते थे लूट। गिरोह के 11 सदस्य किए गिरफ्तार। 17 मोबाइल और नकदी हुए बरामद। और चारधाम यात्रा होगी सुगम और सुरक्षित। गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे किए संचालित। कंट्रोल रूम में भीड़ नियंत्रण के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी रहेगी पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहले पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। ITBP के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स भी इस मौके पर प्रस्तुति दी गई। कपाट खुलने के पहले शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर को 15 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म मेला के ऊपर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहले पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। इसके बाद मंदिर के प्रमुख पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों की संख्या में श्रद्धालु की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मुख्य पुजारी VC ईश्वर प्रसाद नबुद्री ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ का विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंत्रालय मंगल कामना की और वहां पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार में जनता दरबार लगाया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने विभिन्न समस्या रेखा आर्या के समक्ष रखी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारियों ने पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण की मांग की है। बताते चले कि यहां गोलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने सिंचाई जनसेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं और उद्योग विभाग से निशुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने की मांग रखी। सरकार का एक अभियान चला है कि सरकार जनता के द्वार, तो ये बहुउद्देशीय शिविर का निमित्त जो है सरकार जनता के द्वार का संदेश है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि हर ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी महिला जो अपनी समस्या का समाधान अभी तक में प्राप्त नहीं कर पाए हैं,
वो इस शिविरों के माध्यम से या सरकार जनता के द्वार के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखे, और रखने के साथ ही क्योंकि संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी भी और SSP भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो और तत्काल हो। हमने प्रखर तरीके से सभी जगह सूचनाएँ करवाई थी कि लोगों को सूचना मिल जाए, जिससे अपनी समस्या को लेकर लोग इस शिविर में अपना उसका समाधान कर सकें, और काफ़ी समाधानों का जो है समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी ने तत्काल जो है अधिकारियों को बात करके और हाथों हाथ वहाँ पर उसको निपटा दिया है। और जो कुछ इस समस्या ऐसी थी जिनको यहाँ पर अभी उसको नोट नहीं कर सकता था, उसके लिए अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ में एकजुट होते हुए निकाय चुनाव में उतरेगी। हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि निकाय चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही एकजुटता के मूल मंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव के मैदान में उतरेगी। साथ ही पार्षद, सभासद, चेयरमैन और मेयर के टिकटों पर भी रायशुमारी के पश्चात दमदार उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अत्यंत गंभीर है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक तैयारियां की जा रही है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेतागण और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं। कोटद्वार पुलिस ने शहर के ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत उन बच्चों को शिक्षा के ओर ले जाया जा रहा है जो बच्चे भिक्षावृत्ति या बालश्रम से जुड़े हैं। पौड़ी जिले के भी पुलिस ने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर किया है जो कि भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं और बालश्रम कर रहे हैं। बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए पुलिस अभियान चला रही है, जिससे भिक्षावृत्ति कम हो, अधिक से अधिक बच्चों का शिक्षा दी जा सके, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन मुक्ति हमारा पिछले 4-5 सालों से चल रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे DG सर का एक आइडल प्रोग्राम है सोसाइटी के लिए। बेसिकली इसमें हम उन बच्चों पे काम करते हैं जो बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, जो भीख मांग रहे हैं, जो छोटा मोटा सामान बेचने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, जो कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, जिनको स्कूल में जाने की जिनकी उम्र स्कूल में नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल तौर पर 2 महीने का एक सघन अभियान चलता है। हम बच्चों को उस दलदल से निकाल के स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा लगातार वहाँ सस्टेन करे। तो हमारे जो CO ऑफ से विभव सैनी, वो हमारे पौड़ी जनपद में इसके नोडल ऑफिसर हैं, पिछली बार उनका बहुत आउटस्टैंडिंग काम। विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले जिला पंचायत का एक और कारनामा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस की धामी सरकार में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ठेकेदार निर्माण कार्यों में खूब चांदी काट रहे हैं। हद तो ये भी हो गई है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष की फटकार लगाने के बाद भी ठेकेदार अपनी हरकत से बाज नहीं आया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कार्य रोकना पड़ा, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल बेलाडा में बाजूहेडी मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का निर्माण जिला पंचायत के निधि से किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले पहले ही। कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई। जिस जो काम खराब हो गया, जिसकी गुणवत्ता के लिए मेरे यहाँ से कोई ढिलाई नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सबसे पहले गुणवत्ता, मुझे तो गुणवत्ता चाहिए, वही ठेकेदार मेरे यहाँ काम करे। भाई सड़क हमने बनती भी देखी, हमने सड़क भी बनवाई, पहले कच्चा होता है उसके बाद टाइल लगती है, और इसके यहाँ तो पता नहीं क्या मिट्टी पर टाइल लगा दे, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें, हमें तो पता नहीं भाई। प्रधान
राजेंद्र आए थे चेयरमैन जी, हाँ जी फटकार भी लगाई थी लेकिन वो बाहर नहीं रहा, यही तो तानाशाही है, इसको तानाशाही कहते हैं, मतलब जबरदस्ती जो मर्जी करो हम मानने के नहीं, तो हम उसके बारे में भी कहते हैं तहसील दिवस में आवाज उठाएंगे, SDM साहब को बताएंगे, SDM साहब को बताएंगे, नहीं मानना तो फिर इसकी जांच कराएंगे आयोग से, फिर रुकेंगे सर बनने तो हम भी देने के अधिकारी को भी फटकार लगाई थी जिला पंचायत अध्यक्ष ने, लगा गए थे लेकिन ये शर्म तो नहीं आ रही, ये तो माफिया, ये कहाँ मानने का, ये तो हाईकोर्ट में मानने का जा रहा सीधा सीधा, कहीं नहीं मानने का इसका इलाज। चंपावत जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी एक और महिला। चंपावत जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मृतक सीमा विश्वकर्मा निवासी ग्राम पाटन पाटनी लोहाघाट की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों ने महिला के प्रसव में जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों में लापरवाही आरोप लगाते हुए महिला की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। CMO चंपावत डॉक्टर KK अग्रवाल को लिखित रूप से शिकायत की है। परिजनों का आरोप है कि मृतक महिला के उपचार से लेकर पोस्टमार्टम करने तक अस्पताल प्रशासन द्वारा काफी लापरवाही बरती गई। हम यहाँ सुबह कर रात 2:30 बजे से यहाँ रुके हैं और यहाँ मतलब सब कार्रवाई होगी है और ये CMO साहब के द्वारा डॉक्टर को निर्देश भी भेज दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करो और ये अभी तक उनकी टीम यहाँ नहीं पहुँची। ये कैसा मतलब डॉक्टर का स्टाफ है जो अपने CMO के भी बात नहीं सुन रहा है, ऐसे में आम जनता को किसे उम्मीद होगी। मुझे पता चला है कल शाम को एक गर्भवती की अचानक डेथ हो गई और बच्चा पहले से ही मरा हुआ था, तो इसमें उन्होंने जो भी प्रार्थना पत्र दिया है उन्होंने ऑफिस में रिसीव करा दिया है, मेरे संज्ञान में जैसे मेरे पास आएगा जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। लक्सर में वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तराखंड में लावारिस गोवंशों के संरक्षण को लेकर स्थायी समाधान की मांग उठाई है। वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के मुताबिक लावारिस गोवंशों की रक्षा के लिए उद्देश्य से लक्सर के क्षेत्र में वैदिक गौशाला ट्रस्ट का अस्थायी निर्माण किया गया। हालांकि उन्होंने क्षेत्र के लावारिस गोवंशों को एकत्र करने में खुद को असफल करार देकर वैदिक गौशाला ट्रस्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए सुझाव मान लिए जाने की पुष्टि की है। युद्ध स्तर पर लावारिस गोवंश को उपचार सहित अनेक उनके चारे और संरक्षण भी प्रदेश सरकार निर्धारित करने जा रही है। लावारिस गोवंश की सेवा के लिए, संरक्षण के लिए, भोजन चारे के लिए लक्सर में वैदिक गौशाला की तरफ से एक गौशाला बनाई गई थी मुंडा खेड़ा जैतपुर में, जिसमें देसी गोवंश को एकत्रित करने में मैं असफल रहा हूँ। देसी गोवंश हमारे इलाके में नहीं मिल पाया है, उसमें मैं फेलियर रहा हूँ, लेकिन गौशाला की तरफ से जो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमने लावारिस गोवंश की सेवा के लिए भेजे थे वो उन्होंने मान लिए हैं और बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर जल्दी लावारिस गोवंश को संरक्षण भी मिलेगा, चारा भी मिलेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ये बहुत ही हैरतन घटना है, तो हम लोगों को
खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार रश्मि पंत ने बताया कि चल रही चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रश्मि पंत ने बताया कि यात्रा में जो भी गाड़ी आ जाएगी वहां पर उन गाड़ियों के फिटनेस की जांच भी हमारे द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि चारधाम में जा रहे यात्रियों के ग्रीन कार्ड जो इशू किए गए हैं वह भी परिवहन विभाग द्वारा ही जारी किया जा रहा है। रश्मि पंत ने बताया कि इस वर्ष से चारधाम यात्रा में जो यात्री जा रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड जारी किए जाने के साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, इसमें परिवहन विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे यात्री जिन वाहनों से यात्रा करते हैं उन वाहनों की जो फिटनेस की जांच है, उनका जो ग्रीन कार्ड इशू कर किया जाता है वो परिवहन विभाग द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे विभाग द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रगति इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस वर्ष से एक नई परंपरा ये शुरू की गई है कि जो भी चारधाम यात्रा के लिए गाड़ियाँ जाएंगी जिन ड्राइवर्स के ग्रीन कार्ड बनेंगे उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, और उसके साथ ही हमारे विभाग द्वारा बाइक स्क्वाड का गठन किया गया है। ये बाइक स्क्वाड निरंतर चारधाम यात्रा मार्गों पर ड्यूटी करते हुए सुरक्षा से संबंधित सारे जो बिंदु हैं उन पर ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में आई आपदा मामले में केंद्र से आई टीम ने अपना सर्व पूरा किया है, जहां पर सर्वे के दौरान राज्य सरकार को पूर्व में भेजी गई आपदा राहत धनराशि के तहत आपदा मदद केंद्र से मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब चिंताजनक कोई नहीं है। प्रशासन के प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे गए हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेट मकान और मुआवजा दोनों ही शामिल है। साथ ही यात्रा में आपात स्थिति के मद्देनजर भी एक टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय टीम जल्द ही अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो एक ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी, और दोनों ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किए जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट था। असेसमेंट करके गई है, वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रेतर कार्रवाई। काशीपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए मामले में दंपति समेत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और मामले का खुलासा जिले के पुलिस कप्तान ने किया है। बता दें कि काशीपुर में रहने वाले शिक्षक आईटीआई थाने में पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए उनकी एक युवती से दोस्ती हो गई और उसके बाद दोनों में धीरे धीरे संबंध गहराता गया। फेसबुक मित्र के बुलावे पर वह अपनी फेसबुक मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए जसपुर खुर्द स्थित रुद्राक्ष गार्डन गया, जहां उसकी फेसबुक मित्र के द्वारा संबंध बनाने के मकसद से कमरे में ले गए। दोनों की आपत्तिजनक स्थितियों में वीडियो बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग करने लगे और मारपीट की। ये बहुत ही हैरतन घटना है, तो हम लोगों को वेकअप कॉल है कि अन्य अनजान प्रोफाइल से संबंध नहीं बनना चाहिए।
बहुत जल्दी से दोस्ती से संबंध की तरफ जंप होता है तो ऐसे ही चीज़ें होता है। परंतु आशुतोष और आपका चौकी इंचार्ज पैगा और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में वादी को भी कॉन्फिडेंस दिया, सांत्वन दिया, पुलिस के साथ जो है साथ दिया, बड़ा अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग देकर उसके पूरा घटना को अनावरण कराया और सही मतलब सही टाइम पे टाइम रहते रहते सारे मुलजिम को इन्होंने पकड़ लिया, पूरी गैंग का पर्दाफाश कर लिया। कुल मिला के एक लड़की तमन्ना, अंकित, राम सैनी और सुमित, कुल मिला के चारों लोगों का हमने गिरफ्तार कर दिया है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित संपदा को संपन्न कराने की तीसरी आंख को नजर बनाए हुए है जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के निर्देशानुसार गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे संचालित किए गए हैं, जिसकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन को लेकर गंगोत्री धाम में स्नान घाटों में मंदिर परिसर बाजार पार्किंग स्थल आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम से भीड़ नियंत्रण के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही 6 अतिरिक्त कैमरे प्रमुख स्थानों नगुन बैरियर और अलग अलग जगह पर स्थापित किए गए हैं। उधर यमुनोत्री धाम में भी पूर्व में 9 सीसीटीवी कैमरे संचालित है। मौजूदा आईटी के दौर में जहां राजनीति की हर लड़ाई मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है, ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और उत्तराखंड में 13 लाख कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने वाली भाजपा सोशल मीडिया पर नई नवेली राजनीति पार्टियों से भी पीछे नजर आती है। उत्तराखंड में भाजपा 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकती है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हम उत्तराखंड में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के फेसबुक फॉलोअर के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा सबसे पीछे खड़ी नजर आती है। उत्तराखंड में फेसबुक फॉर के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। जुम्मा 4 दिन हुए हैं और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में फेसबुक फॉलोअर का आंकड़ा 3 लाख को छूने वाला है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की फेसबुक पर 3,25,000 है और भाजपा उत्तराखंड में 2 बार सरकार बनाने के बाद भी और उत्तराखंड में 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने के बाद भी फेसबुक पर भाजपा के केवल 3,20,000 फॉलोअर है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और हम इसकी महत्ता समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए तत्पर है और अब मैं 1 तारीख से जिलों का जो प्रवास कर रहा हूं, उनमें प्रत्येक जिले में एक टास्क दिया जाएगा। अगर 4 दिन का प्रवास होगा तो 4 दिन के एक जिले को टास्क दिया जाएगा। हमारा 3,20,000 बीजेपी का फॉलोअर फेसबुक पर है, जिला चमोली उसको कितने हज़ार तक पहुँचाता है, ये 4 दिन जिला चमोली को दिया जाएगा, फिर दूसरे जिले को दिया जाएगा और जो जिला इसमें अच्छा करेगा उस जिले के संयोजक को उनकी टीम को सम्मानित करने का काम भी हम करेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक भाषणों के लिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं, पर इन दिनों मंत्री सतपाल महाराज विभागीय अधिकारियों की ACR लिखने के अधिकार के बारे में ट्वीटबाजी को लेकर फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का या वार्षिक पहचान के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों की ACR का मसला उठाते हुए बाकी मंत्रियों ने भी उनके समर्थन में सुर मिलाए थे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को कैबिनेट की अगली बैठक के लिए इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का लगातार मीडिया डोमेन और सोशल मीडिया का माध्यम से इस मुद्दे को उठाने के लेकर सियासत गर्माती जा रही है। इस पूरे मामले पर भाजपा से जुड़े प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं पार्टी के सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष में भी बैठी कांग्रेस ACR के मामले पर सत्ता पक्ष पर हमलावार नजर आ रही है। कि प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है और सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लाल फीताशाही लगातार मनमानी कर रही है। आप देखिए कि चाहे परिवहन विभाग में परिवहन भाड़े में जो बढ़ोतरी हुई थी, तब प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन ना अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया ना परिवहन मंत्री ने, परिवहन भाड़ा बढ़ा। मंत्री को जो बात लगी होगी कि उनको लगा है कि ACR लिखना चाहिए, तो उनकी अपनी निर्णय था, उन्होंने अपने निर्णय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि ACR लिखने के विषय को लेकर के जो भी चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट लिख करके अगली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से उस पर आने वाले समय में सुखद निर्णय होगा और निश्चित हमारी सरकार के अंदर सब ठीक है
माननीय मंत्रीगणों के सहयोग से, तमाम संगठन के सहयोग से सरकार बेहतर काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहे हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रायवाला पुलिस ने 3 शातिर चोरों को ट्रैकिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया। करीब 7 लाख की कीमत की ट्रैकिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ऋषिकेश क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, वहां पर फाकलन कंपनी की ट्रैकिंग मशीन लगी हुई थी, जिस पर अभियुक्त ने अपने साथी मसरूर और अभिषेक के साथ मिलकर उस मशीन को चोरी करने की योजना बनाई थी और उसको चोरी करने के बाद दिल्ली 3 से 4 लाख में बेचने का इरादा था। तो रायवाला थाना क्षेत्र में एक ट्रैकिंग मशीन की चोरी हुई थी, जिसका कीमत लगभग 7-8 लाख रुपया है। इस मामले को जब इसमें तहकीकात किया गया और इंटरसेप्ट करने बाद जो है इसमें 3 मुजरिम पकड़े गए हैं। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त है अभिषेक, ये इसका मास्टरमाइंड है और इसको ही इसके ही मतलब गाइडेंस में ये चोरी हुई थी। और इसी प्रकार की चोरी में पहले भी जो है गुजरात में जेल जा चुका है और इसका आपराधिक इतिहास भी है। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारी बर्फबारी के बीच पूरे विधि विधान और जयकारों के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। 25 क्विंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ का धाम जयकारों से गूंज उठा। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया निस्तारण, अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जताई नाराजगी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार, प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने हर दमखम का दिया साथ, रायशुमारी के बाद दमदार को दिया जाएगा टिकट। ऋषिकेश में लूट करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश, यात्रियों के सामान की करते थे लूट, गिरोह के 11 सदस्य को किया गिरफ्तार, 17 मोबाइल और नकदी बरामद। और चार धाम यात्रा होगी सुगम और सुरक्षित, गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे किए संचालित, कंट्रोल रूम से भीड़ नियंत्रण के साथ ही